नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एसटीएफ की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर हजारों की संख्या में नकली सीमेंट की बोरियों को जब्त किया है। इसके साथ ही मौके पर फैक्ट्री संचालक के मुंशी को गिरफ्तार कर एसटीएफ घपले में शामिल लोगों की पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से हजारों की संख्या में नकली सीमेंट की बोरियां, उपकरण और सीमेंट से लदे वाहनों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं काशीपुर पुलिस ने धोखाधड़ी और कॉपीराइट सीमेंट बनाने के मामले में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री की सूचना मिलने पर हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान मौके पर उपस्थित फैक्ट्री के मुंशी कमल सागर को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि फैक्ट्री की देखभाल करता था। वहीं एसपी ने बताया कि मौके पर पहुंचे सीमेंट के अधिकारियों ने जांच में बताया कि इन पर कंपनी का बैच नंबर और एमआरपी गलत है। इससे फैक्ट्री की धोखाधड़ी साफ नजर आती है। एसपी ने बताया कि जल्द ही फरार चल रहे फैक्ट्री संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चेकिंग कराई गई तो उनके द्वारा इस चीज़ को सैंपल को ये किया गया कि हाँ ये इसके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध तरीके से इसको संचालित किया जा रहा है। अभी यह व्यक्ति फरार है। इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा क्राइम करने के साथ साथ 420/67/68 IPC के साथ साथ कॉपीराइट एक्ट में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जल्द ही जो है यह अभियुक्त फरार है, इसकी गिरफ्तारी हमारे द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मौके से हमें सीमेंट पिसाई करके और भरने उसको बनाने के उपकरण मिले हैं, 1250 बोरियाँ मिली हैं, अन्य जो खाली बोरियाँ हैं वो मिली हैं, और एक ट्रक भी हमने बरामद किया है जिसको माल मुकदमाती हमारे द्वारा बनाया गया है, और जो ये अभियुक्त है वसीम, इसकी सीमेंट गिरफ्तारी हमने लाई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।